दोस्तों, हमारी आज की कहानी का ताल्लुक पाकिस्तान के कसूर शहर से है। ये कहानी है एक मासूम लड़की और एक दरिंदा सिफत इंसान नुमा भेड़िए की। इस कहानी में हम आपको बतलाएंगे कि कैसे इस हैवान नुमा इंसान ने एक दो नहीं बल्कि कई मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार किया और इसका अंजाम क्या हुआ। इस बलात्कारी ने पाकिस्तान के कसूर डिस्ट्रिक्ट में अपनी हैवानियत का बाजार काफी अरसे से गर्म कर रखा था। इनका नाम था इमरान। इस दरिंदे की कहानी तब मंजर आम पर आई जब इसने 7 साला जैनब नामी एक मासूम बच्ची को अपनी हवस का निशाना बनाकर इसे मुर्दा हालत में एक कूड़ेदान में फेंक दिया। 4 जनवरी 2018 को जैनब, जो कि अपने एक करीबी रिश्तेदार के यहाँ रहती थी, घर से कुरान पढ़ने के वास्ते निकली और वापस लौट कर न आई। जैनब के रिश्तेदारों ने इनकी गुमशुदगी की इतला करीबी पुलिस स्टेशन में की, मगर पुलिस की तरफ से कोई खातिर ख्वाह जवाब न आया। इसी दौरान मासूम जैनब की लाश एक करीबी कूड़ेदान से मिली। इस वाकये को लेकर पूरे पाकिस्तान में एहतजाज और हंगामे फूट पड़े और इसकी कहानी ने आलमी मीडिया की शह सुर्खियों में जगह बना ली। इसके रिएक्शन में पाकिस्तान की सरकार भी पूरी तरह से हरकत में आई और कसूर डिस्ट्रिक्ट के पुलिस को इस कहानी को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की सख्ती से हिदायत जारी कर दी गई। 9 जनवरी 2018 को जैनब की लाश मिली थी। इसके पोस्टमार्टम और दीगर जाँच से ये पता चला कि इस मासूम के साथ पहले बलात्कार किया गया है और फिर इसे मारकर कूड़े में फेंका गया है। कसूर शहर की इस बेकसूर मासूम बच्ची की कहानी ने पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी मुजाहिरों का एक न रुकने वाले लावे को छेड़ा था। कसूर शहर के थानों पर कई बार हमले किए गए और पुलिस और मुजाहिरीन की इन झड़पों में कई पुलिस एहलकार और मुजाहिरीन शदीद जख्मी हुए और कई पुलिस स्टेशनों को नुकसान भी पहुंचाया गया। इन मुजाहिरों के दौरान पुलिस ने अपनी जाँच तेज कर दी और तकरीबन 3000 के करीब लोगों का DNA टेस्ट किया गया। इस DNA टेस्ट के दौरान इस इमरान नामी शख्स का DNA क्राइम सीन के DNA से मैच हुआ। इमरान इनके हमसायगी में रहता था। जाहिरी तौर पर मजहबी दिखने वाला ये शख्स दरअसल एक सीरियल रेपिस्ट था। ये मजहबी इज्तिमाआत में बाकायदगी से हिस्सा भी लिया करता था। ये एक नाख्वां भी था और ये इन एहतजाजी मुजाहिरों का भी हिस्सा था जो जैनब के लिए इंसाफ मांग रहे थे। बल्कि ये तो इनकी लाश मिलने से तदफीन और तदफीन के बाद एहतजाज तक हर लम्हा जैनब के दुहाई देते वालदेन के साथ खड़ा था। DNA मैच होने के बाद पुलिस ने अपनी तसल्ली के लिए इन तमाम CCTV फुटेजेस चेक किए जो जैनब के रिश्तेदारों ने निकाल कर जमा कराई थी। इन फुटेजेस में से भी इस दरिंदा सिफत इंसान को पहचाना गया, जिसमें साफ साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ये शख्स इस मासूम बच्ची को अपने साथ बहला फुसला कर लेकर जा रहा है। इन सब सबूतों के बाद पुलिस ने जब इसे गिरफ्तार किया तो इसने एक ऐसी कहानी बताई कि जिसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। इसने न सिर्फ ये कबूल किया कि इसने जैनब का रेप के बाद कत्ल किया है, बल्कि पुलिस ने इस हैवान को मजीद 12 ऐसी ही मासूम बच्चियों के कत्ल और बलात्कार में मुलवस पाया। इसकी इस होलनाक कहानी ने पाकिस्तानी अदलिया को मजबूर किया कि इसे जल्द से जल्द निशान इबरत बना दिया जाए और यही हुआ। इस हैवान को 17 फरवरी 2018 को 7 साल कैद 32 लाख रुपए जुर्माना और सजाए मौत सुना दी गई। 18 अक्टूबर 2018 को इस दरिंदे को लाहौर के कोट लखपत जेल में फांसी दे दी गई। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू।